वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शेख सुफियान, एक करियर काउंसलर, कोच, होस्ट और आपका दोस्त। वंस अगेन आई केम बैक विद अ न्यू करियर सीरीज, दैट इज करियर इन लॉ। ये करियर सीरीज लेकर आया हूं मैं। आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है, सो दैट पीपल एंड स्टूडेंट्स विल गेट टू नो अबाउट दिस करियर फील्ड्स एंड दे कैन फ्लरिश इन टू इट। अभी आगे बढ़ते हैं हम कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में, उसका एक ओवरऑल व्यू देखेंगे और कोर्स ड्यूरेशन के बारे में देखेंगे। तो कॉर्पोरेट लॉयर होता कौन है? तो कॉर्पोरेट लॉयर कंपनी के लीगल प्रोसीडिंग्स के जो भी होते हैं तो उसके लिए एक ओवरऑल व्यूज जो रखता है वो एक कॉर्पोरेट लॉयर रखता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट जो भी कंपनी के लीगल पॉलिसीज होते हैं उनको डिजाइनिंग करने का काम या फिर लीगल एक्शंस लेने का काम, लीगल ड्राफ्टिंग हो, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ड्राफ्टिंग करने का काम, मैनेजिंग करने का काम या फिर रेपुटेशन रिप्यूट करने का काम कॉर्पोरेट लॉयर का होता है। साथ ही साथ जो भी लीगल इश्यूज, वायलेशंस और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड विद द लीगल एंटिटीज उसको रिजॉल्व करने का काम कॉर्पोरेट लॉयर करता है। इसके अलावा अभी बात करते हैं हम कि एक ओवरऑल व्यू हो गया कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड और कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे। तो कोर्स ड्यूरेशन टू बिकम ए कॉर्पोरेट लॉयर उसके लिए 5 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स के बीच में वैरी करता है कोर्स ड्यूरेशन। सो अपकमिंग वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि एकेडमिक जर्नी कैसी होती है और आप कैसा बन सकते हो कॉर्पोरेट लॉयर। और साथ ही साथ मैं आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, कौन कौन से जॉब रोल्स हासिल कर सकते हो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स के अंदर। सो वीडियो के जो सीरीज चल रही है उसको एंड तक जरूर देखना। So stay tuned till the end of this video series.